इंग्लैंड के विश्व विजेता टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि शानदार करियर में कई उपलब्धियां हासिल करने वाले इयान मॉर्गन पिछले एक साल से फिटनेस साथ ही साथ फॉर्म से जूझ रहे थे और इसी के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। ईसीबी के साथ जारी एक बयान में कहा गया है कि सावधानी से काफी विचार विमर्श के बाद मैं रिटायरमेंट लेने का घोषणा करता हूं। यह मेरे लिए एक आसान फैसला नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस वक्त सही समय है। आपको बता दें कि साल 2015 में इयान मॉर्गन को इंग्लैंड टीम की कप्तानी दी गई थी और एलिस्टर कुक के बदले उन्हें लिमिटेड ओवर्स का कप्तान बनाया गया था। साल 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन साल 2019 में उन्हीं की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीत करके इतिहास रचा था। बात करें अगर इयान मॉर्गन के करियर की तो साल 2010 में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था। इसके अलावा ओडीआई डेब्यू की बात करें तो उन्होंने साल 2006 में आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए डेब्यू किया था। वहीं टी20 में साल 2009 में इयान मॉर्गन ने डेब्यू किया था। बात करें अगर उनके करियर की तो उनका टेस्ट करियर बेहद छोटा रहा। साल 2012 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला, 16 मैच में उन्होंने 700 रन लगाए जिनमें 2 शतक शामिल है। इसके अलावा ओडीआई की बात करें तो इयान मॉर्गन ने 248 मुकाबले खेले जिनमें 7,701 रन बनाए। इयान मॉर्गन के नाम वनडे क्रिकेट में 14 शतक साथ ही 47 अर्धशतक शामिल है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इयान मॉर्गन ने 115 मैचेस खेले जिनमें 2,458 रन उनके नाम है। इसके अलावा उनका हाईएस्ट स्कोर 91 का रहा, लेकिन उन्होंने टी20 में 14 अर्धशतक लगाए हैं। कप्तानी के साथ उन्होंने इंग्लैंड की टीम को काफी देशों के खिलाफ सीरीज में जीत दिलाई। इसके अलावा इयान मॉर्गन ऐसे इकलौते कप्तान है जिन्होंने आयरलैंड और साथ ही इंग्लैंड दोनों देशों के लिए कप्तानी की है। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।